हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी मसाला टीवी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत अदाकारा शर्मिला टैगोर के बारे में। शर्मिला टैगोर वो नाम जो 60-70 के दशक में सबसे खूबसूरत अभिनेत्री के साथ साथ अपनी मनमोहक आवाज और निर्भीकता निडरता के लिए जाना जाता है। अब तो सर्दी नहीं लगेगी ना, क्यों मुन्ने? अच्छा, तो यहाँ पर आज हम आपको शर्मिला टैगोर के बारे में कुछ ऐसा बताएंगे जिसको जानकर आपको हैरानी तो जरूर होगी। ऐसे कि मंसूर अली खां पटौदी से शादी करने के बाद शर्मिला टैगोर का क्या नाम पड़ा, बॉलीवुड की पहली अदाकारा बिकनी पहनने वाली, और उसके बाद बॉलीवुड में क्या हंगामा हुआ, और रविंद्रनाथ टैगोर से शर्मिला टैगोर का क्या रिश्ता था। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं स्टार्ट। बॉलीवुड की सबसे हसीन अदाकारा शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1946 को हैदराबाद में हुआ था। शर्मिला टैगोर का परिवार हिंदू बंगाली थे। शर्मिला टैगोर ने अपने कैरियर की शुरुआत बॉलीवुड में सत्यजीत रे की फिल्म आप और संसार से की थी, जिसकी काफी सराहना भी हुई। इसके बाद साल 1964 में शर्मिला की फिल्म कश्मीर की कली आई थी, जहां उनकी खूबसूरती की तारीफ हुई। वहीं इस फिल्म के बाद शर्मिला टैगोर के अभिनय की भी जमकर तारीफें हुई। एन इवनिंग इन पेरिस में शर्मिला ने बिकनी सीन किया था। आपको बता दें, बॉलीवुड में बिकनी पहनने वाली शर्मिला पहली एक्ट्रेस थी। फिल्म में बिकनी सीन को देखकर बॉलीवुड में तहलका मच गया। इतना ही नहीं, शर्मिला के इस कदम से संसद तक में बवाल मच गया था। अब ये शर्मिला की निर्भीकता और निडरता ही कहेंगे। शर्मिला ने साल 1968 में एक बिकनी सूट करवाया था, जो फिल्म फेयर मैगजीन के लिए हुआ था। ये शर्मिला के जीवन का एक ऐसा किस्सा है जिसने शर्मिला की रातों की नींद उड़ा दी थी। दरअसल यह बात उस समय की है जब शर्मिला का मंसूर अली खां पटौदी से अफेयर चल रहा था। उन दिनों वो फिल्मों में बिकनी सीन को लेकर हर जगह ट्रोल पर थीं। बिकनी में शर्मिला की फोटो देखकर सभी ने ये सोच लिया था कि अब मंसूर अली खान शर्मिला से शादी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने साल 1968 में शादी कर ली। इस जोड़ी का नाम सबसे खूबसूरत जोड़ियों में शामिल किया जाता है। शर्मिला टैगोर ने भारत के पूर्व कप्तान नवाब पटौदी से शादी के बाद अपना नाम आयशा सुल्तान रख लिया। अब बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर और शर्मिला टैगोर के बीच क्या रिश्ता है। शर्मिला टैगोर के परदादा के भाई थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। बताया जाता है शर्मिला के पिता जितेंद्रनाथ टैगोर फेमस पेंटर गगेंद्रनाथ टैगोर के पोते थे, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कजिन थे। शर्मिला टैगोर जी खुद कहती हैं कि उनके जन्म से 3 साल पहले ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी का निधन हो गया था, जिसके कारण वो उनसे कभी नहीं मिल पाए। शर्मिला टैगोर ने कहा कि उनका सरनेम उनकी विरासत है, जिससे उनके लिए जीवन में कई दरवाजे खुले। तो दोस्तों, ये थी शर्मिला टैगोर की जीवन परिचय। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और जिन दोस्तों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।